लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। व्हाट्सएप ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूजर्स को गूगल ड्राइव पर सेव उनके डेटा का बैकअप 12 नवंबर 2018 तक लेने की सलाह दी है। कंपनी ने कहा है कि इस तारीख के बाद अगर यूजर्स ने अपने डेटा का मैन्युअली बैकअप नहीं लिया तो उनका डेटा डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा जिन यूजर्स ने अपने व्हाट्सएप डेटा का गूगल ड्राइव पर पिछले एक साल से बैकअप नहीं लिया है उन्हें 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर इसके बाद भी यूजर ने डेटा बैकअप नहीं लिया होगा तो उनका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जाने क्यों लेना होगा व्हाट्सएप डेटा का बैकअप? आपको बता दें कि व्हाट्सएप और गूगल पार्टनरशिप के बाद यूजर्स को गूगल ड्राइव में डेटा बैकअप के लिए फ्री स्पेस दिया जाएगा। यह साझेदारी 12 नवंबर से इफेक्टिव होगी। ऐसे में गूगल ड्राइव पर व्हाट्सएप स्टोरेज फ्री में पाने के लिए यूजर्स को एक साल पुराने डेटा का मैनुअली बैकअप लेना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कैसे लें गूगल ड्राइव पर बैकअप? सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन करें। अब मेनू पर टैप करें। इसके बाद सेटिंग्स पर जाकर चार्ट्स पर टैप करें और फिर चार्ट बैकअप पर टैप करें। इसके बाद गूगल ड्राइव को सिलेक्ट करें और बैकअप फ्रीक्वेंसी अदर दयान निवहर को सिलेक्ट करें। इसके बाद गूगल अकाउंट सिलेक्ट करें जिस पर आपको चैट हिस्ट्री सेव करनी है। इसके बाद आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा जिस पर आपको बैकअप लेना है। ध्यान रहे सेल्यूलर नेटवर्क पर बैकअप लेने से अतिरिक्त डेटा चार्ज लग सकते हैं।